रीमा मुझे कुछ नहीं सुनना यार. यू गाइस डू व्हाटएवर यू वांट. ओके आई एम आउट ऑफ हियर. अरे अनुज यार एटलीस्ट लिसन टू मी. शेखर I'm sorry. After this fundraise, we're letting go of the entire team. Shekhar, do you understand what he's saying? I'm sorry. Actually, no. I mean, we just rolled out new features and just last night, all of us were together and Ramesh was, you know, all. Well, that's how it is at present, Shekhar. See. We are happy to help you with the outplacement or in any other way. Well, how can you just you know, there has to be some explain. I don't know. I just don't. Cheers. Dude, last 6 months, तूने जितना रगड़ा है ना, I have to say thanks for all the efforts you've put in life. अरे अनुज यार आप भी मतलब फिर टीम यार. Seriously, I mean it यार. Thank you, I appreciate it. यार अनुज, ये क्रेडिट एंड ऑल तो सब सही है पर अगले हफ्ते अप्रेजल्स हैं यार. इस बार संभाल लेना यार प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. बहुत प्रेशर है सर पे. दो दो ईएमआईज हैं. घर पे भी पैसे भेजने पड़ते हैं. लास्ट टाइम की तरह इस बार भी फिर रिलैक्स. आई जस्ट डोंट नो व्हाट एल्स टू से. तू चिल कर ना. आई डू माई बेस्ट. ओके चल छोड़ ये सब बात यार. कल आराम से बैठ के ऑफिस में बात करेंगे. आज yes. पार्टी करते हैं. कम ऑन. चीयर्स. चीयर्स. चीयर अप. अरे भाई संजू यार ढील बनती मत कर यार. जल्दी जल्दी पैर बढ़ा. आ गया हूं ना पेट्रोल लगा लूं क्या. अरे आ गया होगा यार. शेखर ट्रेन आधे घंटे पहले निकली थी लक्ष्मी नगर से यार. चल वैसे भी 3 साल बाद आ रही है यार अपना भाई. आज 2 साल पहले आया था दिवाली पे. अच्छा कम टाइम के लिए आया होगा वरना जरूर बताता. 2 हफ्ते रुका था. आ जाओ. खैर दिवाली पे तो सबको काम काज रहते ना यार. अपनी दुकान पे पूजा रहती ना. तो कितना बोल रहा है. डेढ़. भाई डेढ़ कैसे बोल रहा है यार. 2 साल पुरानी भी नहीं है गाड़ी. ईएमआई तक चल रही है अभी. मिनिमम 3-3.5 तो मिलना चाहिए ना भाई. 3 लोगों को दिखा चुका तेरे जाने के बाद से. नहीं बिक रही तेरी गाड़ी. 1.5 लाख एकदम मैक्सिमम वी आर गेटिंग. यार कोई नया अच्छा ऑफर ढूंढ. मुझे नहीं पता यार. तू चल मैं तुझे लगाता हूँ. बाय बाय बाय. क्या हाल दर्शन भाई. क्या संजू कैसे हो. बढ़िया. तू कैसे आ गया. अरे अपनी गाड़ी सर्विस पे थी तो ये भैया 56 से आ रहा हूँ. एकदम तिर बिन्ना डुसल बन रहा था. पैक करा के लाऊ गाड़ी में रखा. 3 बजे जाके पहले उसल निपटाते हैं यार. चलेंगे यार चलेंगे. पहले घर चलें. अब आ गया हूँ ना खाते ही रहूंगा. ओ भाई तू अलग बिजी हो रहा है. क्या हक करके हो गया. पाव नहीं छूएगा. ज्यादा बड़ा नहीं हो गया तू. और ये इतना सारा सामान नौकरी से निकाल दिया गया क्या. साहब चले गया. हाँ हाँ सामान उठाओ यार. आप गाड़ी बाहर है ना. हाँ गाड़ी बाहर. और सुन 550 में फाइनल है. उससे ऊपर नहीं. अबे आओ है रख. नीचे नीचे रख. पहले नीचे रख. मैं गेला है क्या. 550 रुपए देगा. बाहर तक तो जा रही है. मैं घर तक छोड़ के आ रही है क्या सामान तू. अरे ओ भैया अपन भी इंदौरी है. पोहा जलेबी खा के बड़े हुए अपन भी. एक गोरा चिट्टा लड़का देख के क्या बर्गर कोला वाला समझ लिया क्या. अबे यार क्या बात कर रहे हो. अब रहने दो कोई बात. अपन उठा लेंगे यार. देखिए घर वापसी के सभी एपिसोड्स. विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर्स और कॉफी विद करण सीजन 7. शूरवीर जैसे कई सुपरहिट शोज सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर. अरे वाह ये अभी भी नाच रहा है.
और दर्शन, प्रेरणा कैसी है? भाई भगवान करे प्रेरणा जहाँ भी अच्छी हो यार, मेरी औरत का नाम तो प्रियंका है। नहीं याद ना देखो, खैर तू शादी पे आता यार तो याद रहता ना, कोई बात नहीं यार। सॉरी यार। अरे कोई नहीं यार, तेरी क्या गलती है, शादी में नहीं आ पाया यार। अरे यार वो तेरा वो कॉलेज वाला वो टिकटॉक देखा था यार मैंने। अबे टिकटॉक? हाँ वही यार, क्या मस्त अंग्रेजी में बोल दिया था यार तू, सारे के सारे बच्चे फुल टू इंस्पायर लग रहे तेरे से। बेंगलोर में आग हूँ तेरा मेरा भाई। बता लड़कियाँ तो फुल इंस्पायर रहती होंगी तेरे से। भाई तू सीधा चला ले यार देख के। अच्छा वो है ना अपने कोचिंग वाले अस्थाना सर, उनने भी तेरा वीडियो देखा था, बोल रहे थे कि तेरे को बुलाएंगे अपने कोचिंग में बच्चों को टोक देने के लिए। बढ़िया है, अपने इंदौर के बच्चे भी थोड़ा तेरे से सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, आगे बढ़ा यार इंदौर के बच्चे अपने। चल भाई दर्शन, ये कंफर्म हुई ना? अरे A1 पैराडाइज ट्रैवल एजेंसी का रिकॉर्ड है तत्काल टिकट कंफर्म करने का। जीता रहे, खुश रहे मेरा बेटा। आजा, खुश रहे। सामान फिलहाल ये रख दे बेटा, भाग ले ना, पहिए लगे उसमें। अच्छा थैंक यू। पर भैया हर बार तो फ्लाइट से आते हो, फिर अब की बार ट्रेन से? अरे बेटा लिमिट होती है ना 15 किलो की, और सामान इतना ज्यादा है इसका। ए सुन, इतना सामान क्यों लाया, शहर छोड़ गया ना क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। क्यों आया, कैसे आया, इतना सारा सामान क्यों लेकर के आया? अरे खुश हो जाओ ना, आ तो गया है ना, वो भी 2 साल बाद। शेखर दुबला हो गया है तू। दुबला हो गया हूँ? हाँ। 5 किलो बढ़ गया मेरा मम्मी। क्या बात है, नया सोफा ले लिया, कब लिया ये? ये तो भी लिया था ना भैया होली पे, इस बार तो रिपेयर वाले ने भी आज जोड़ लेता, कहता सातवीं बार ठीक नहीं करूंगा। ए चुप रह, थोड़े से रिपेयरिंग की जरूरत थी, 2 साल लाइफ और थी उसकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा जा जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर शाम को ना मेरी ट्यूशन वाले बच्चों से मिल लेना। हाँ अरे काउंसलिंग हो जाएगी उनकी। अरे यार मम्मी अभी तो आया हूँ मैं। अरे तुझे देख करके ना उनका इंजीनियर बनने का मन हो जाता है। मुझे देख के होता है खाली, बेचारे नादान बच्चे। वरना कुछ लोग ना घर में खाली बैठे रहते हैं, वैसे भी शहर में एक ही निठल्ला काफी है बस। मम्मी यही निठल्ला बैठता है आपके पति की ट्रैवल एजेंसी पे, कल 5 लोगों महाकाल के दर्शन कराए मैंने, उन्हीं बताओगे आप, वो बताओ। अच्छा हाँ। मम्मी को कभी मंदिर लेकर के नहीं जाता, लोगों को घुमाता फिरता है। सुरुचि ट्यूशन नहीं जाना तुझे? हाँ निकल रही। अच्छा सुनो वो थाली आ गई ना, एक्स्ट्रा घी चेक कर लेना और लड्डू 2 ऑर्डर किए थे। खुद ही चेक कर लो, चल जल्दी से। हाँ भाई चेक कर लेते, वही ठीक है। देख रहे भाई लाडले के लिए दाल बाटी की थाली मंगाई है। यही होता है सुक्कू यार, अगर हम लोग भी शहर में रह रहे होते, कॉर्पोरेट में कपा कप पैसे छाप रहे होते तो अपने को भाव मिलता। यहाँ सनी एक तरफ, हम दोनों एक तरफ, क्या कर सकते हैं। कितनी तकलीफ है ना लाइफ में आपको, तुझे निकलना नहीं है क्या? हाँ जा रही हूँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी कॉर्पोरेट चोमू, भाई आप ठीक के लिए भी सॉरी बोलेगा क्या? अच्छा, I'm sorry. God bless you. Era, I gotta go, you know. अबे चल। यार रीमा। Hi शेखर, कैसे हो? चल रहा है बस, बताओ। तुम्हारा FNF प्रोसेस हो गया है और रिलीविंग लेटर भी तुम्हें ईमेल कर दिया है। ओके। और अपना अपडेटेड CV ईमेल कर दो ना मुझे, I'll float it around. कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जल्दी। ठीक है भेजता हूँ मैं, थैंक्स। रीमा मुझे कुछ नहीं सुनना यार, यू गाइस डू व्हाटएवर यू वांट, ओके आई एम आउट ऑफ हियर। अरे अनुज यार एटलीस्ट लिसन टू मी। शेखर आई एम सॉरी, आफ्टर दिस फंड रेज वी लेटिंग गो ऑफ द एंटायर टीम। शेखर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग? आई एम सॉरी एक्चुअली नो, आई मीन वी जस्ट रोल्ड आउट न्यू फीचर्स एंड Just last night, all of us were together and Ramesh was...
you know, I'll... Well, that's how it is at present, Shekhar. See, we are happy to help you with the outplacement or in any other way. Well, how can you just... You know, there has to be some explain... I don't know. I just don't... वेट कर रहा हूँ बढ़िया नौकरी हाथ लग जाए कट लूंगा बैंगलोर वापस। दो निठल्ले कम थे इस घर में, तीसरा भी वापस आ गया। सबके सामने मैं नाक कटवा दिया। एक बार सोचने लग गया था कि नहीं यार रह सकता हूँ यहाँ पे, फैमिली है, साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा। अब नहीं, नहीं हो सकता है। अगले हफ्ते जा रहा हूँ बैंगलोर, नौकरी लग गई है मेरी। खुश? छोटे शहरों के भाई बहन अपने बड़े भाई बहनों के साथ 10-10, 12-12 साल रहते हैं और अचानक से वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाते हैं। तरस आता यार अपने दोस्त पे कि तो बस तो अपने लिए टाइम नहीं है। भागते वक्त स्पीड इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारे अपने लोगों के चेहरे धुंधले नजर आने लगे। देखिए घर वापसी के सभी एपिसोड्स, विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर्स और कॉफी विद करण सीजन 7, शूरवीर जैसे कई सुपरहिट शोज सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।